कोलारस 80 करोड़ बैंक घोटाला कांड। मुख्य आरोपी पाराशर सहित दो अन्य गिरफ्तार, करोड़ों की संपत्ति का हुआ खुलासा। कोलारस की सहकारी बैंक से 80 करोड़ का घोटाला करने वाले मुख्य आरोपी भृत्य पाराशर को पुलिस ने संस्कार सिटी वृंदावन मथुरा से गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ दो अन्य आरोपी पिंकी व उसके भाई को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। यहां पूछताछ में पाराशर ने बताया कि भृत्य से कैशियर के पद के लिए वर्ष 2010 में शाखा प्रबंधक ने ठहराव प्रस्ताव कर कैशियर के पद पर पदस्थ किया था। तत्कालीन शाखा प्रबंधक द्वारा आरोपित की आईडी वर्ष 2013 में तैयार करवाई गई। इसके बाद से तत्कालीन शाखा प्रबंधक ऑपरेटर व बाद में आए शाखा प्रबंधकों के साथ मिलकर जिला सहकारी बैंक शाखा कोलारस में अपने परिवार व परिचितों के खातों में फर्जी जमा राशियों के एंट्री कर उन खातों में निफ्ट, RGTS एवं चेक के माध्यम से परिवार परिचितों तथा बैंक सहयोगी साथियों के अन्य बैंकों के खातों में जमा दिखाकर चेकों के माध्यम से नेफ्ट व नकदी के रूप में घोटाले की रकम आपस में बांट लेते थे। भारतीय स्टेट बैंक की शाखा कोलारस से चेकों के माध्यम से नकद राशि का आहरण कर गबन किया। इस घोटाले की राशि से पाराशर ने अपने परिवार के नाम से कोलारस में एक मकान, सिंगड़ा फार्म कोलारस में प्लॉट, ग्राम गुनाटोरी तहसील कोलारस में 36 बीघा जमीन, कोलारस में दाल मिल, आटा मिल, गुंजारी नदी, कोलारस के पास जमीन तथा ग्राम कुसवन में जमीन तथा नई पुराने बसे करीब 60-70 तथा ट्रक करीब 15-20 तथा सोने के जेवरात खरीदना बताया। बसों व ट्रकों के गबन की राशि को छिपाने के लिए फाइनेंस कंपनियों से अलग अलग फाइनेंस करवाए। कुछ पुरानी बसें खरीदी जिनके मालिकों को नगद व खातों में रुपये ट्रांसफर कर दिए गए, परंतु बसें नाम ट्रांसफर नहीं होने से मूल मालिकों के द्वारा कैश लगने से वापस खींच ली गई थी। वही करेरा की पिंकी व उसके भाई को भी 12 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां उन्होंने घोटाले की राशि से करेरा में प्लॉट व गुनाटोरी में जमीन करीब 36 बीघा तथा शिवपुरी में 2 मकान व करेरा में 2 मकान एवं सोने के जेवरात खरीदे तथा बस, ट्रक, कार, जीपे एवं बाइक खरीदी होना बताया गया। सोने के करीबन 650 ग्राम जेवरात को मुथूट गोल्ड फाइनेंस शिवपुरी में रखकर 20 लाख रुपये का लोन लेना बताया गया। उनकी सिम जिसमें जो अकाउंट से लिंक करके बनाई जाती थी उसमें कुछ हम लोगों को 3 व्यक्ति पकड़ने में सफलता मिली है, जिनके पास में केवल 200 के आसपास आधार कार्ड और 200 से ऊपर की ज़्यादा की सिम और 2 फायर आर्म्स भी मिले हैं। इनसे बातचीत में अभी इनिशियल बातचीत में ये भी पता लगा है कि इनके साथ में जो लोग जुड़े हुए थे जो साइबर क्राइम फ्रॉड करते हैं उनको ये फर्जी अकाउंट बनाने के लिए सिम और अकाउंट नंबर देते हैं, इसके आधार पर वो जब लोगों से हैक करते हैं पैसा निकलवाते हैं तो इस सेविंग अकाउंट से फिर पैसा वापस एग्जिट होता है। तो एक अच्छी सफलता, एक अलग तरह की सफलता जिसमें ये भी पता लगा है कि इसके लिंक पूरे ऑल ओवर इंडिया में हैं, बिहार झारखंड के आरोपियों के से भी लिंक है और इस तरह करते हैं। इसमें कुछ लोगों के नाम पता लगे जो इसकी कार्रवाई को इनसे करवाते थे उनको भी पुलिस गिरफ्तार करेगी। इसमें हमारे SDO की GD शर्मा कनेडा और SHO संतोष भार्गव जिला उनकी टीम ने एक अच्छा काम किया है और इसमें हमको और आगे लिंक मिलेगा। इसको और पता लगेगा।